के साथ पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज़। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। इंदौर में संचालित होने वाली बसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष छतरीपुरा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं छतरीपुरा पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल गुरुवार दोपहर इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर आए दिन गाड़ी चलाने को लेकर विवाद होता रहता है। वहीं आज अटल बस सर्विस और एक अन्य बस संचालक को बस की टाइमिंग को लेकर सगौर कुटी के यहां विवाद हो गया, जिसके बाद बस संचालक हिमांशु उपाध्याय द्वारा विवेक गौड़ से बात करने पहुंचा। उसी दौरान मारपीट हो गई, जिसमें हिमांशु उपाध्याय के साथ विवेक गौड़ सहित अन्य लोगों ने मारपीट कर हिमांशु के कपड़े फाड़ दिए और पैरों पर भी लाठियों से हमला कर घायल कर दिया। बस संचालक हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि उनकी बस भी विवेक गौड़ द्वारा अपने कब्जे में ले कर ली गई है। वहीं फरियादी ने छतरीपुरा थाने पहुंचकर विवेक गौड़ सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने दोनों बस संचालकों पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मेरी गाड़ी चलती है, मैं बस संचालक हूँ, तो ये हमारी गाड़ी गंगवाल से संचालित होती है और ये हमारे पीछे जो है विवेक गौड़ की गाड़ियाँ चलती है। तो इनका और हमारी गाड़ी का आज को सुबह सागर कोटी चौराहे पे कुछ विवाद हुआ होगा, तो उसको लेके मेरी गाड़ी गंगवाल आई तो इन लोगों ने यहाँ पे इनके साथ में कुछ गुंडे लेके आए और मेरी गाड़ियाँ खड़ी करवा ली, दो उनकी चाबी निकाल ली। और मैं इनसे बात करने के लिए आया था, समझौता करने के लिए आया था शांतिपूर्वक, तो इन लोगों ने मुझे बेरहमी से मारा, मेरे पैर पे बहुत बुरी मार मारी है, सिर पे मारा और ये मेरा आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं। बलपूर्वक गाड़ी चलाने नहीं देना चाह रहे हैं, बड़े लोग हैं, राजनीति के लोग हैं और प्रेशर बना रहे हैं कि हम हमारी गाड़ियां बंद करें। कौन लोग हैं, क्या नाम ये जो है विवेक गौड़ नाम है इनका और अटल सिटी ट्रांसपोर्ट में इनकी गाड़ियां चलती है सूत्र सेवा, तो मध्य प्रदेश का शासन का नाम ले लेके और ये हमको मतलब विवश कर रहे हैं कि हम गाड़ियां बंद करें। विवाद दो पक्षों में, बस चालक हैं और एक सामान्य हैं जो आपस में लड़ ली हैं। पुराने एक्टिवा की बात, टक्कर मारने की बात पर से दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। एक सप्ताह पहले की बात थी जब एक्टिवा में टक्कर लग गई थी, उसी बात को लेकर आज दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और मारपीट हुआ है, तो मामला पंजीबद्ध हो गया है। उसके लिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है और सारी ना पुलिस व्यवस्था रहती है वहाँ पर, और इसी समय समय पर कार्रवाई भी होती है उनके।